अपने साथ ले जाते हैं। एक बार फिर देखिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में आस्था का ये रूप। ये वो लोग हैं जिन्हें दर्जा हासिल है वीआईपी का और ये तस्वीरें मई की हैं, यानी उस वक्त की जब अमरनाथ की औपचारिक यात्रा शुरू नहीं हुई थी। मतलब ये कि दौलत खर्च करके गैर कानूनी तरीके से ये लोग पहले तो गुफा तक पहुंचे, शिवलिंग के आसपास वो सब कुछ किया जिस पर पूरी तरह रोक है। ये ऐसी भक्ति है जिसे देखकर खुद शिव भी शर्मिंदा होंगे। भोलेनाथ का शिवलिंग कैसे पिघला, कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। आदि देव ओंकार का करके मन में ध्यान, चरणन शीश झुकाऊं मैं, करो कृपा भगवान। कश्मीर कुदरत के मुजाविरों के लिए जमीन पर ऊपर वाले के जरिए बख्शी गई एक जन्नत है। जब भी कोई कश्मीर की कुदरती खूबसूरती की बातें करता है तो अचानक शायर बन जाता है। गोरे मुख पर उड़ता है हल्का पवन चीर, स्वर्ग एक कल्पना सत्य है कश्मीर। कश्मीर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां अनंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंचल में सिमटे झील झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहां आने वाले पर्यटकों का बरबस मन मोह लेते हैं। और इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहां की झेलम नदी और डल झील। देव भूमि कश्मीर में लगभग सैकड़ों धाम हैं, लेकिन इन सब धामों में प्रमुख है श्री अमरनाथ धाम। जम्मू उत्तरी रेलवे का ये आखिरी स्टेशन है। देश के सभी भागों से जम्मू के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। श्री अमरनाथ धाम यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण हो जाती है। देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू में एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधी रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी कार्यवाही पूरी की जाती है। ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ ही मानो शिव भक्तों के मन में शिव दर्शन की ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। श्रीनगर से श्री अमरनाथ धाम लगभग 142 किलोमीटर दूर है। अनंतनाग से आगे का रास्ता दो भागों में बंट जाता है। एक रास्ता पहलगांव से चंदनवाड़ी, शेषनाग व पंचतरणी होकर श्री अमरनाथ गुफा जाता है, जो लगभग 32 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है, जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता अधिक खतरनाक है। कहते हैं कि एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती से पूछते हैं कि हे माते, प्रभु अपने गले में मुंडमाला क्यों पहने हुए हैं?
इस पर मां पार्वती को शंका होती है और वो भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी आप देवाधिदेव कहे जाते हैं, हे प्रिय, मेरे कंठ में जो मुंडों की माला तुम देख रही हो ये तुम्हारे ही सर हैं, अर्थात तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती मां भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मेरी मृत्यु तो होती है परंतु आपकी मृत्यु नहीं होती। स्वामी, हर जन्म के बाद मैं मरकर नया रूप धारण करती हूँ और आपकी अर्धांगिनी बनती हूँ। तब भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, ये सब अमर कथा के कारण है। जो भी इस अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। ये बात सुनकर माँ पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा सुनाने का आग्रह करती हैं, ताकि ये अमर कथा सुनकर वो भी अमर हो जाएं और हमेशा प्रभु के साथ रहें। इस पर भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि कथा पार्वती जी के अलावा कोई अन्य प्राणी सुने या इस कथा के दौरान किसी प्रकार का कोई भी विघ्न पड़े, क्योंकि जो भी जीव इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए प्रभु एक ऐसे स्थान की खोज करने निकल गए जहां वो ये अमर कथा मां पार्वती को सुना सकें। ऐसे स्थान की खोज करते हुए भोले शंकर पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वाहन नंदी बैल का परित्याग किया। इस गांव का प्राचीन नाम बैल गांव था, जो कालांतर में बिगड़कर पहलगाम हो गया। इस यात्रा के वक्त भक्तों को शिव महिमा के गुणगान के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं, और आखिर क्यों ना हो, शिव लोक की महिमा का बखान तो तीनों लोक गाते हैं। पहलगाम से चंदनबाड़ी जाते समय रास्ते में नील गंगा का आगमन होता है। कहते हैं एक बार भगवान सदाशिव का मुंह क्रीड़ा करते समय माँ पार्वती के नेत्रों से लग गया, तो सदाशिव भगवान का मुख उनके काजल से काला हो गया। वहां बह रही गंगा में भगवान ने अपना मुख धोया तो काजल की कालिमा उस गंगा के पानी में फैल गई। तभी से इस गंगा का नाम नील गंगा पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी प्राणी सच्चे मन व श्रद्धा भाव से इस गंगा में स्नान करेगा तो उसको शिव धाम की प्राप्ति होगी। इस यात्रा का हर एक पड़ाव अपने आप में रोमांचकारी है, कभी ना भुलाया जा सकने वाला एक अनोखा अनुभव है। पल पल अपना रंग रूप और गुण बदलते नीले विशाल आसमान के नीचे सिर उठाए पर्वतों के बीच कहां जाकर भोले भंडारी ने डेरा डाला। तभी तो कहते हैं कि घन घन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसते आप बसे वीराने में। कहते हैं कि तीर्थ दर्शनों से भाग्योदय होता है, शरीर का कण कण ऊर्जा संपन्न होता है, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है।
वहां से यात्रा पैदल शुरू होती है। कुछ लोग खच्चर या पालकी पर यात्रा करते हैं। शिव महिमा का गुणगान करते श्रद्धालु अंततः अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन स्वीकारो नमन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। डमरू बजाने वाला महादेवा गौरीशा, बिगड़ी बनाने वाला हे देवा जगदीशा, बिगड़ी बनाने वाला देवा जगदीशा। हे गंगाधरन हे गंगाधरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। मंगल मूरति दाता शिव शंभो त्रिपुरारी, हे शिव विश्व विधाता हो हमरे हितकारी, हे शिव विश्व विधाता हमरे हितकारी। हे दुख हरण स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला। यह है पिस्सू घाटी, जिसका वास्तविक नाम है प्रेषण पर्वत। एक बार पूर्व काल में भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए देवता और राक्षस आए। जब दोनों पर्वत पर चढ़ रहे थे तो द्वेष के वशीभूत होकर राक्षस कहने लगे कि पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे। इस बात पर देवता बोले कि राक्षसों में इतनी ताकत कहां जो ये पर्वत की चढ़ाई पहले चढ़ सकें। पर्वत की चढ़ाई पहले हम चढ़ेंगे क्योंकि हम देवता शक्तिमान और बलवान हैं। इस तरह द्वेष के कारण देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और उनकी कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर उनकी हड्डियों को चूर्ण बना दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों को मारा था वहां पर हड्डियों का एक ढेर लग गया। इस तरह से पर्वत पिस्सू घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
समुद्र तट से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिम शिखरों के बीच अपनी खूबसूरती को समेटती इस झील का नाम है शेषनाग झील। लिद्दर नदी के इस उद्गम स्थल की इस खूबसूरती के रखवाले इस पर्वत का नाम है शेषनाग पर्वत। अमर कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले इस पर्वत पर उन्होंने अपने गले से सर्पों की माला उतार कर रख दी थी। इसी स्थान पर उन्होंने नागों का त्याग किया था, जिसके कारण ये स्थान शेष नाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने शरीर से नागों का त्याग किया, जिसके कारण यहाँ पर नागों की आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ एक बात और प्रसिद्ध है, कहते हैं कि इस पर्वत पर एक महाबली और भयंकर राक्षस रहता था। वो देवताओं को बहुत कष्ट देता था। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान त्रिपुरारी बोले कि मैंने इस राक्षस को दीर्घायु का वरदान दिया है, किंतु भगवान विष्णु ने नहीं, तुम सभी भगवान विष्णु की शरण में जाओ। इस प्रकार देवताओं ने क्षीर सागर निवासी श्री हरि से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु जी ने शेषनाग को उस राक्षस का विनाश करने के लिए भेजा। शेषनाग जी उस वायु रूपी राक्षस को अपने सहस्त्र मुखों द्वारा पी गए। कहते हैं शेषनाग जी ने उस राक्षस का विनाश किया था, इसलिए इस पर्वत का नाम शेषनाग पर्वत पड़ गया। यहाँ की मान्यता है कि पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने और इस झील में स्नान करने से ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे भयंकर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पर्वतों की चोटियों पर जमा बर्फ का पिघला पानी शेषनाग झील में गिरता है, इसलिए इस जल में पर्वतीय औषधियों के गुण भी होते हैं।
कसिया पढ़ने लगी। एकांत प्रेमी महेश्वर व मां पार्वती की यात्रा अभी भी जारी है। उनका अगला पड़ाव है ये अद्भुत स्थल जिसका नाम है पंचतरणी। ये वो स्थान है जहां शिव प्रिया मां गंगा ने एक निराला ही रूप धारण किया था। इस स्थान का महात्म्य कहना और सुनना भी कोटि पुण्यों के समान है। कहा जाता है कि भगवान शंकर और मां पार्वती ने इस स्थान पर तांडव नृत्य किया था। नृत्य करते समय जटाधारी भगवान की जटाएं खुल गईं और जटाओं से मुक्त हुई मां गंगा ने पांच धाराओं में परिवर्तित होकर इस स्थान पर अपना डेरा डाला था। कल कल करती गंगा की इन पांच धाराओं के इस मनमोहक दृश्य को देखकर भक्तजन भोलेनाथ की लीलाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पंचतरणी में योगेश्वर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश का परित्याग किया था। कहते हैं जो मनुष्य स्थान पर गौ वस्त्र चंदन कस्तूरी एवं अन्न धन ब्राह्मणों को दान करता है उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। Thank you.
धार विश्वनाथ विश्व धार विश्वनाथ विश्व धार विश्वनाथ विश्व धार विश्वनाथ विश्व धार विश्वनाथ गंगाधर दीननाथ विश्व धार विश्वनाथ गंगाधर अनंतनाग से दो हिस्सों में विभाजित हुई यात्रा मार्ग का संगम स्थल ये संगम टोप, जहां यात्री एक साथ मिल जाते हैं। शिव दर्शनों की अभिलाषी यात्रियों की मंजिल का पड़ाव होने के कारण यहां ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। शिवाय हरि